Hey everyone, welcome to Shivam's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with 6th chapter of class 7th history, which is devotional path to the divine. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे भक्ति बढ़ी, डिवोशनल भगवान एंड ऑल इज गोना बी इन दिस चैप्टर. सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कैसे ट्राइब्स कैसे कैसे ग्रीव हुए, क्या क्या हमें देखने को मिला. और उधर ना मैंने हमने एक्चुअली ब्राह्मण्स का एक ग्रेट रोल देखा. सो इस चैप्टर में भी हमें शायद वो देखने को मिलेगा. सो अगर आप देख अगर आप अपनी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइप के रिचुअल करते हुए दिखेंगे, जैसे कीर्तन, भजन, कवालीज वगैरह गाते हुए आपने सुना होगा, या फिर लोगों को भगवान का नाम जपते हुए सुना होगा, और कहीं और आपने देखा होगा कुछ लोग भगवान का नाम जपते जपते रोने भी लग जाते हैं. ठीक है, ये इसलिए है बिकॉज लोगों का भगवान के प्रति इतना इंटेंस लव और इतना इंटेंस डिवोशन है. और ये जो प्यार और भक्ति शुरू हुई, ये 18 ये जो 8वीं सदी है, ये 8वीं सदी से ही चलती आ रही है. फ्रॉम द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से ही हमें देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आइडिया है वो शुरू हो चुका था. देखो, लार्ज किंगडम के इमर्ज होने से पहले काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स थे जो कि अपने अपने भगवान जी को, अपने अपने माता और मतलब अपने अपनी देवी और देवताओं को पूजते थे. ठीक है, दे यूज टू वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. ओके, सो उस टाइम पे लोग जो पीपल दूसरी जगह से ट्रेड करने आया करते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर से, डिफरेंट डिफरेंट टाउन से जो ट्रेड करने आया करते थे, वो साथ में ना अपने और आइडियाज़ भी लेकर आते थे. दिस आइडियाज़ वर अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग आइडियाज़ देखने को मिलते हैं. इन्हीं में एक जो डिवोशन है, डिवोशन और भक्ति का भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सो ये जो आइडिया था कि हम लोगों की एक बर्थ नहीं होता है, देर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, कि आप बर्थ लेते हो, फिर आपकी डेथ होती है, फिर आप फिर से रीबर्थ लेते हो, फिर आप फिर से डेथ होती है. सो इट्स लाइक आप कि ये जो था कि आप यहाँ इस बर्थ में आप जो भी डीड्स करोगे वो घूम के आपकी नेक्स्ट बर्थ में एज अ रिजल्ट आएंगे. ये वाला आइडिया जो है ये काफ़ी फॉलो होने लग गया था उस टाइम पे. ठीक है, और हर एक ह्यूमन है वो इक्वल नहीं होता है अपने बर्थ पे. ठीक है, मतलब वो किस टाइम पे और किस बर्थ किस जगह पे बर्थ लेता है, डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. ठीक है, सो जो कुछ लोग थे जो कि इन आइडियाज़ को नहीं मानते थे और वो अलग टीचिंग्स पे जाते थे, डैट वॉज ऑफ बुद्धा, द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड द टीचिंग ऑफ द जैनास. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6th हिस्ट्री में, आई गेस, राइट, बुद्धा और जैन के बारे में. सो बुद्धा और जो बुद्धिस्ट और जो जैन आइडियाज है, टीचिंग्स है, कुछ लोग उनको फॉलो करते थे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देम कि अगर हमें ये रीबर्थ का साइकिल तोड़ना है, हमने जो है मतलब एक वो मतलब अगर हम बुद्धा की और जैन की वो पढ़े, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम द सोशल डिफरेंसेस. ठीक है, एंड मतलब अगर हम तो फिर ठीक है, बुद्धा और जैना की साइकिल, ये जैना की जो स्टडी है, जो टीचिंग है, वो ये बोलती है कि हम सोशल डिफरेंसेस से ओवरकम कर सकते हैं और हम कुछ पर्सनल एफर्ट डाल के इस बर्थ का जो रीबर्थ का जो साइकिल है इसको तोड़ सकते हैं, हम मुक्ति पा सकते हैं. ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो सुप्रीम गॉड का आइडिया अट्रैक्ट करता था. ठीक है, जो कि था कि विच अप्रोच्ड डिवोशन. ठीक है, भक्ति वहीं से जागी कि एक गॉड है जिन्होंने हमें बर्थ दिया है, राइट. उसके अलावा भगवद गीता भी काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी मिली भगवद गीता को इन अर्ली सेंचुरीज में. ठीक है, अब जो कॉमन रहा, तो यहाँ पे शिव विष्णु और दुर्गा को सुप्रीम डिटीज कंसीडर किया गया और उन्हीं को ही वर्शिप किया जाता था थ्रू द एलाबोरेट रिचुअल्स. ठीक है, सो दीज वर द थ्री विच वर दुर्गा, विष्णु एंड शिवा. ओके,
इसी सेम टाइम में कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था, जो कि आगे जाके जो है जिनको जो कि बेसिकली बोला तो जाता था कि वो शिवा, विष्णु और दुर्गा के ही रूप हैं, ठीक है, देवत कि ये उन्हीं के रूप है, ठीक है। सो ऐसे भी काफ़ी डिटीज और गॉड्स और सॉरी गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था, ठीक है। काफ़ी लोकल मिथ्स थे और काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी, जैसे पुरानिक स्टोरी हो गई, ठीक है। फिर जो पुरानास थे, पुरानास भी उस टाइम काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। सो उस टाइम पे पुराना से हमें पता चलता था, पुरानास बता रहे थे कि कैसे हमें पूजा करनी है, कैसे भगवान की ग्रेस को रिसीव करना है, ठीक है। और रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टैटूस सॉरी कास्ट स्टेटस, ठीक है। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पावरफुल डैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनाज अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। ओके, साउथ इंडिया में किस टाइप की भक्ति थी? बेसिकली इन नैनाज एंड अलवर्स। देखो ये इनको ना याद करके रखना है, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। नैनाज और अलवर्स को, नैनर्स और अलवर्स। देखो 7th से लेके 9th सेंचुरी में हमें कुछ रिलीजियस मूवमेंट की एमर्जेंस देखने को मिलती है, उनमें से एक होते हैं नैनार्स। नैनार्स ये वो सेंट्स है जो कि शिवा की डिवोटी है, जो कि शिवा को पूजते हैं, ओके। और आते हैं अलवर, अलवर विष्णु के डिवोटीज हैं, अलवर विष्णु को पूजते हैं, ठीक है। ये इनमें जो है सारी कास्ट आती थी, इन चाहे वो इन जो अनटचेबल्स थे ना, जिनको हम अछूत बोलते हैं, अनटचेबल जैसे पुलियार्स एंड द पानर्स, इनको भी उनमें इंक्लूड कर दिया जाता था, ठीक है। ये जो लोग थे ये बुद्धिस्ट और जैन को बिल्कुल शार्पली मतलब बिल्कुल ही अपोजिट थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और सिर्फ शिवा और विष्णु को ही अपना जो प्यार है, अपनी जो डिवोशन है, बोलते थे कि उन्हीं को देनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको मुक्ति पानी है तो। दे ड्र्यू अपॉन द आइडिया ऑफ लव एंड हीरोइज्म इन फाउंड इन द संगम लिटरेचर में जो भी कहानियाँ दी गई है, वो सारी कहानियों को वो मतलब बताया करते थे, ठीक है। और वो बताते थे कैसे भक्ति की कितनी वैल्यू है, कि आप भक्ति करोगे भगवान की तो आपको कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जो नयनर थे और जो अलवर थे वो जगह से जगह जाया करते थे, अपनी पोइम्स बताते थे, अपनी जो उनके डिटीज हैं उनको उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे थ्रू द वे ऑफ म्यूजिक, ठीक है। सो यहाँ पे नयनर और अलवर्स का हमें एक बॉक्स देखने को मिलता है। सो देयर वर 63 नयनर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स, ठीक है। उनमें क्या क्या थे? उनमें थे पोर्टर्स जो भी अनटचेबल थे, अनटचेबल वो गोपीज एंड हंटर शोल्डर, ब्राह्मण और चीफ। देखो ब्राह्मण्स को कितने ब्राह्मण और चीफ कितने बड़े बड़े कास्ट के हैं, जबकि अनटचेबल्स को भी उन्हीं में इंक्लूडेड था, उन्हीं में इंक्लूडेड थे, दे वर ऑल इक्वल, ठीक है। उनमें से जो बेस्ट नोइंग थे, जो कि काफ़ी फेमस थे, डेट वॉज अपर समंदर सुंदरर एंड मणिकर्ण सागर, ठीक है। ये कुछ बहुत ही फेमस जो है वो उस टाइम के डायनर्स थे, ठीक है। देर आर टू सेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ देयर सॉन्ग तेवाराम एंड तिरुवस्सकम, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 12 अलवर भी हुआ करते थे, जो कि इक्वली अलग अलग बैकग्राउंड से आए, ठीक है। एंड दे वर बेस्ट नोन बींग द परियावर्स एंड और उनकी जो डॉटर थी उसका नाम था अंदल, ठीक है। उसके अलावा आते हैं यहाँ पे तुंदारा अदी पोड़ी अलवर एंड द नम्मलवर। सो यहाँ पे बेसिकली जो है अलवर फैमिली हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सो देयर सॉन्ग वर कंपाइल्ड विद द देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड विद द दिव्य प्रबंधम, ठीक है। सो इधर थे नैनर्स, नैनर्स में अराउंड 63 फैमिलीज आती थी, सॉरी 63 नैनर्स थे, और अलवर में यहाँ पे सिर्फ 12 ही हमें अलवर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो 10th और 12th सेंचुरी के बीच में जो चोला और जो पांड्या किंग्स है उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बनवाए उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत जो भी सेंट्स है, पोइट्स है, उनको उन्होंने बुलाया, उनकी काफ़ी उनके वो काफ़ी विजिट करते थे उस टाइम पे, ठीक है। जिसकी वजह से भक्ति ट्रेडिशन और जो टेम्पल वर्शिप है उसका जो लिंक है वो और ज़्यादा पक्का हो गया, ठीक है। और ज़्यादा भक्ति भक्ति की जाती थी और ज़्यादा जो है मंदिर बने उस टाइम पे, ठीक। सो यहाँ पे देखो हमने जो बड़ा मणिकर्ण सागर, उनका यहाँ पे हमें एक ब्रॉन्ज इमेज भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो इधर एक वर्ड है, डैट इज हगियोग्राफी। सो हगियोग्राफी क्या होता है? हगियोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, ठीक।
उसके अलावा बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोइम्स भी कंपाइल की गई। उसके अलावा हगियोग्राफी जो हमने अभी पढ़ा, और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवर एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज। ठीक है, और आज हम इन टेक्स्ट को, ये जो भी उस टाइम पे लिखा गया था, उनको हिस्टोरियंस पढ़ते हैं ताकि जाने उस टाइम का भक्ति ट्रेडिशन कैसा था। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पोइम्स वगैरह है। ओके, सो नेक्स्ट इज फिलोसॉफी एंड भक्ति। देखो, शंकरा जो कि काफ़ी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे इंडिया के, जिन्हों उनका बर्थ हुआ था केरला में 8th सेंचुरी में। ठीक है, वो बेसिकली ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता और द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, तो ये मानते थे कि एक ही सोल है, देर इज एन इंडिविजुअल सोल और एक सुप्रीम गॉड है। ठीक है, वो बताते थे कि ब्राह्मण और एंड द ओनली अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, उनकी कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो फॉर्मलेस है। ठीक है, वो दुनिया को इल्यूजन या माया कंसीडर करते थे। ठीक है, और वो बोलते थे कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर आपको नॉलेज का पाथ जाना है, तो आपको सेल्वेशन, अगर आप मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, अगर आप ब्राह्मण के पास जाओगे, इस दुनिया को छोड़ दोगे, डैट इज़ ऑल मोहमाया, तभी आपको जो है सेल्वेशन यानी कि मुक्ति मिलेगी। फिर हम पढ़ते अब आते हैं रामानुजा, जो कि तमिलनाडु में बोर्न हुए थे। ठीक है, 11th सेंचुरी में, वो अलवर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको विष्णु की इंटेंस डिवोशन करनी चाहिए। ठीक है, सो वो बोलते हैं कि विष्णु अपनी ग्रेस से अपने सारे डिवोटी को, मतलब उनके भक्त हैं, उनको वो सेल्वेशन प्रोवाइड कर देंगे, उनको मुक्ति प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो उन्होंने आगे जाके जो विशिष्ट विदा है उनकी, उन्होंने डॉक्ट्रिन उन्होंने प्रोपाउंड की। ठीक है, मतलब वो ये बोलते हैं कि खुद को आप जो अपनी जो आपकी जो आत्मा है और जो सुप्रीम गॉड है, उनको एक कर दो, उनको यूनाइट कर दो। जब आप उनको यूनाइट करोगे, एक करोगे, तभी ही आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, फिर रामानुजा की जो डॉक्ट्राइन है वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। अब हम पढ़ते हैं बसवाना वीर शैव सम। सो यहाँ पे देखो, तमिल भक्ति मूवमेंट है और टेंपल वर्शिप है, उनका एक कनेक्शन है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है एक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है कि जो वीराशैव मूवमेंट था, इनिशिएटेड बाय द बसवाना एंड हिज कंपेनियन ऑफ द अलमा प्रभु एंड द अक्कमहा देवी। ठीक है, ये मूवमेंट बिगिन हुआ, इसका स्टार्ट हुआ कर्नाटका में mid-12th सेंचुरी में। सो ये जो भी जो ये वीराशैवास थे, वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करते थे कि मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग की इक्वालिटी पे। ठीक है, जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज थे कास्ट के और वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। उनका ये मानना था कि सारे सारे पीपल इक्वल है, चाहे उनका कोई भी कास्ट हो, या फिर उनके जेंडर क्या हो, या फिर वो किसी भी फैमिली से आए हों। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या हो, ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती है। उनका ये बोलना है कि इनका कुछ नहीं लेना देना है, ऑल ऑफ अस आर इक्वल। ठीक है, तो वो ब्राह्मण्स के सारी रिचुअल्स और आइडियल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे। मतलब ब्राह्मण जो रिचुअल्स कराते हैं, वो बोलते थे इनकी ज़रूरत नहीं है, और जो मूर्ति पूजन है, जिसमें हम मूर्ति पूजन करते हैं, वो मूर्ति पूजन के भी बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, डेक्कन का क्या था भक्ति मूवमेंट, वहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं द वैष्णवा जो कि महाराष्ट्र के एक पॉइंट सेठ थे, जैसे कि जननेश्वर, नमदेवा, एकनाथ और तुकाराम, ये लॉर्ड विट्ठल के काफ़ी बड़े डिवोटीज थे। ठीक है, सो लॉर्ड विट्ठल जो थे, वो भी बोला जाता है कि जो लॉर्ड विट्ठल थे, वो भी लॉर्ड विष्णु के ही एक रूप थे। ठीक है, इट वाज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, सो विट्ठल का जो डिवोशन था, उसकी वजह से जो वर्करी सेक्ट है, उसका भी काफ़ी राइज हमें देखने को मिलता है, जिससे कि जिसे पंथ जो पंधरपुर है उधर का जो एनुअल
जो पिलग्रिमेज है उसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। सो 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में हमें बहुत ही बड़े नंबर पे सेंट्स और पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि मराठी में जो है सॉन्ग्स कंटिन्यू करते हैं और लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। सो जो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कुछ लोग हैं, डैट वर द धनिया ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम एज वेल, ठीक है। उसके अलावा उधर कुछ वुमेन्स भी थी, जैसे सखुबाई, ठीक है, जो कि चोक मेला फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि महर कास्ट होती है एंड डैट आर अनटचेबल, ठीक है। ये जो भी रीजन था ये विट्ठल की भक्ति पे फोकस करता था, ठीक है, जो कि पंढरपुर में एक टेम्पल है, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिसाइडिंग ऑन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। ये जो वहाँ के लोग हैं उनके लोकल गॉड भी है उनके एरिया के, ठीक है। दिस सेंट्स पॉइंट रिजेक्ट, ये जो भी सेंट्स पॉइंट थे, इन्होंने भी सारे रिचुअलिज्म को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो भी सोशल डिफरेंसेस है बेस्ड, मतलब बर्थ के बेस पे, कि तुम कौन सी फैमिली पे तुमने बर्थ लिया है, इसको भी वो रिजेक्ट करते थे, ठीक है। उसके अलावा जो रिनन्सिएशन का जो वो है, ठीक है, फैक्ट है, उसको भी ये लोग फॉलो नहीं करते थे। उसके अलावा वो प्रेफर करते थे कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो, अपनी अपनी लाइफ जियो, उनके पास एक ही लाइफ है, उनको अच्छे से जियो, ठीक है। ये उनका मानना था, ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर आपको ऐसा ही करना है, भक्ति करनी है, तो आपको अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। उसके अलावा जो अच्छे कर्म है वो उन्हें करने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी अपनी शरीर अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं दूर जाके बस जाने की, ठीक है। एज अ फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता सेड, देयर आर विश्नवर्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, ठीक है। वो ये भी बोलते हैं कि हम ही लोग हैं जो विश्नवर्स है, वो ही समझ सकते हैं कि ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, और नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सेल्वेशन चाहिए तो आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हो। अब आते हैं नाथ पंथेज, सिद्धार्थ एंड योगी। सो देखो, काफ़ी एक रिलीजियस ग्रुप का नंबर था जो कि अपनी फैमिली को छोड़ के अलग रहते थे, ठीक है। और इनका जो रिचुअल है ये अलग रिचुअल्स फॉलो करते थे। बेसिकली इनका जो कन्वेंशनल रिलीजन है और जो सोशल ऑर्डर है और सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इनके हुआ करते थे, ठीक है। लोकल लॉजिकल चीज़ें होती थी, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता था, सिंपल चीज़ें हुआ करती थी उनके अकॉर्डिंग। और इनमें आते थे जो भी नाथपंथी थे, सिद्धाचार्य थे और जो योगी थे, ठीक है। ये एडवोकेट करते थे रिनन्सिएशन, ठीक है। उनके थ्रू उनका उनके अकॉर्डिंग अगर आपको सेल्वेशन चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो आप मेडिटेशन करो, ठीक है। ये दुनिया इस ये इनका भी ये मानना था कि ये दुनिया कुछ नहीं है, आपको छोड़ के अलग आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जो सुप्रीम पावर है उनसे बिल्कुल एक होना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो उसमें वो ट्रेन करते थे बॉडी को और माइंड को, बिल्कुल वो स्टेबल करने की कोशिश करवाते थे थ्रू योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ठीक है। सो इस ये ग्रुप जो है बेसिकली लो कास्ट में इनको डाल दिया गया, लो कास्ट के अंडर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। और अनक्रिएटेड अ ग्राउंड फॉर द डिवोशनल रीजन टू बिकम पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। अब आते हैं इस्लाम और सूफिज्म। तो जो सैंस है ना वो सूफीज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे, मतलब ठीक है। ज़्यादातर जो इनके आइडियाज़ थे सांट हो जो भी सैंस है या सूफीज है, ये आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करते थे, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी जो आइडियाज़ है वो एक दूसरे के अडॉप्ट भी किए थे। सूफी जो है वो मुस्लिम मिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। वो आउटवर्ड रिलीजियसिटी है, जो भी लव है, जो भगवान के गॉड का डिवोशन है, कंपेशन है, ये सबको वो रिजेक्ट करते थे, ठीक है। इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। सो इस्लाम ये बोलता था कि एक ही भगवान है जो कि अल्लाह है, एक ही भगवान है और वही सबको चलाता है, ठीक है। 8th और 9th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर्स आए जिन्होंने होली लॉ यानी कि शरीयत और थियोलॉजी ऑफ इस्लाम की उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। उसके अलावा
उन्होंने इस्लाम जो है वो ग्रेजुअली ग्रो भी करता रहा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो गया। सूफीज ने काफ़ी मतलब अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरीके के उन्होंने भगवान से कैसे आपको डिवोशन करना है, पर्सनल डिवोशन करना है, इसको उन्होंने ज़्यादा फेवर करा। मतलब वो बेसिकली सूफीज ये कहते थे कि आपको अलग हो जाना चाहिए और जो सुप्रीम पावर है उससे खुद अकेले में यूनिटी मतलब एक हो जाना चाहिए आपको और भगवान को, ठीक है। जो सूफीज हैं वो जो भी रिचुअल्स है, जो भी कोड्स ऑफ बिहेवियर है, जो जो मुस्लिम्स मानते थे वो उनको वो रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। दिस सॉट यूनियन विद गॉड एज मच लव सीकर एंड बिलोव विद द डिसग्रेस फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। जो सेंट पोइट्स थे, सूफीज भी पोइम्स कंपोज किया करते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। उनके पास एक बहुत ही बड़ा लिटरेचर का प्रोस था जिसमें बहुत सारी अलग अलग फेबल्स भी थी और वो उन्होंने अपने ही अंदर डेवलप भी किया, ठीक है, उनके साथ। उसके बाद उनके अंदर कुछ ग्रेट सूफीज थे सेंट्रल इंडिया के, डैट वर्क गज़ली, रूमी और सादी, नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगा की तरह ही सूफीज भी ये बिलीव करती थी कि अपने दिल को अपना उनका जो दिल है उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको ट्रेन करना चाहिए कि अपनी जो अपना दुनिया अलग तरीके से वो जिए, ठीक है, अलग तरीके से अपने वर्ल्ड को देखे और उसी तरह से वो जिए, ठीक है, अलग तरीका उनको चाहते थे कि वो अलग तरीका हो, ठीक है। वो उनका जो भी मेथड है उनको एलेबोरेट करने के लिए वो एक ट्रेनिंग यूज़ करते थे जिसका नाम था जिक्र, ठीक है, जिसमें वो चांट करते थे नाम को, कंटेप्लेशन, समा यानी कि सिंगिंग, रक्स यानी डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पेरेबल्स, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा, ठीक है। इस जो भी ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये किसी एक एक मास्टर जिनका नाम था पीर, जिनको पीर भी बोला जाता है, उनके अंडर ही होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सिलसिलाज अमर्ज हुए, सिलसिलाज बेसिकली वॉज द स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ अ सूफी टीचर, ठीक। सो हर एक वो बेसिकली हर एक डिफरेंट मेथड फॉलो किया करते थे, डैट वाज नोन एज तरीका, और अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिसेस भी फॉलो किया करते थे, ठीक। देखो एक लार्ज नंबर ऑफ सूफीज वो सेंट्रल एशिया से सेटल होके जो है वो हिंदुस्तान में आ गए 11th सेंचुरी में ही, ठीक है। इस प्रोसेस में जो है वो उसे दिल्ली सल्तनत का भी एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, जब ज़्यादा जो मेजर सूफी सेंटर्स थे वो सब कॉन्टिनेंट के ऑल अराउंड बनने शुरू हो गए, ठीक है। जो चिश्ती सिलसिला थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनी, ठीक है। इट वॉज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे ख्वाजा हो गए, फिर मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा नजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंद नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्गा, ठीक है। जो सूफी मास्टर्स थे उनके बहुत बड़ी बड़ी असेंबलीज हुआ करती थी जिनको वो खानकाज या हॉस्पिसेस बोला करते थे। अलग अलग जगह से डिवोटीज आया करते थे, ठीक है, चाहे वो रॉयल्टी से हो, नोबिलिटी से हो या ऑर्डिनरी पीपल हो, ठीक है, वो आया करते थे इन खनकाज को और वो हेल्प किया करते थे, ठीक है। बेसिकली ये सारे जो भी स्पिरिचुअल मैटर्स है वो सारे इसमें डिस्कस किया करते थे। उसके अलावा सेंट्स की जो ये बड़े बड़े सेंट्स थे उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए ये बेसिकली आया करते थे। उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम्स को लोग यहाँ पे डिस्कस किया करते थे और कुछ सिंपल म्यूजिक और डांस सेशन थे उनको अटेंड किया करते थे, ठीक है। जो पीपल थे, ठीक है, वो बेसिकली सूफी मास्टर्स को ना एक मिरेकुलस पावर से वो लोग देखा करते थे कि वो सारी इलनेस और सारी ट्रबल्स को दूर कर दिया करते थे, ठीक है। तो सूफी का भी दरगाह हुआ करता था, दरगाह ऑफ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच 1000 पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोन्स, ठीक है, एंड फाइंडिंग द लॉर्ड। तो यहाँ पे देखो जलालुद्दीन रूमी है जो कि एक ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट है, वो ईरान से आए, उन्होंने पर्शियन में लिखी, ठीक है। वो बोलते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियन का क्रॉस ही नहीं है, वो हिंदू टेम्पल में भी गए, वहाँ पर ऐसे कोई साइन नहीं देखने को मिले, काफ़ी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देखने को है। बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि कैसे हिंदू रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन अलग अलग है, ठीक है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉर्थ इंडिया में जो है और नया रिलीजियस हमें डेवलपमेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 13th सेंचुरी का जो टाइम है
उधर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ा भक्ति मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। जब ये वो वाला टाइम था जब इस्लाम और जो भी ब्राह्मण निकल थे, हिंदुइज्म, सूफिज्म, ये सारे जो है, फिर उसमें आगे नाथपंथी, सिद्धाज, योगी, ये सारे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए थे। ठीक है, एक नया किंगडम हमें देखने को मिल रहा था, नई नई चीज़ें एमर्ज हो रही थी, जैसे हमने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा। लोग नए प्रोफेशंस और अपने लिए नए रोल्स भी ढूंढ ही रहे थे। ठीक है, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये सारी चीज़ें जो थी, ये बहुत ही ध्यान से जो है इन सारे सेंट्स की आइडियाज़ को सुनते थे और उसको और आगे आगे स्प्रेड किया करते थे। उनमें से आपको कुछ बहुत ही फेमस नाम जो देखने को मिलते हैं वो है कबीर, बाबा गुरु नानक। इन दोनों ने सारे जो भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, ऑर्थोडॉक्स थे, इन सभी को रिजेक्ट किया। जबकि तुलसीदास और सूरदास थे, उन्होंने सारे इन बिलीफ्स को और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया और वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हर जगह फैले। फिर जो तुलसीदास है, तुलसीदास रामा को बहुत मानते थे, लॉर्ड राम को वो बहुत पूछते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को भी कंपोज किया गया अवधी लैंग्वेज में, जो कि उस टाइम पे, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बोथ अजान एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड अ लिटरेरी वर्क। ठीक है, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा उसमें वो अपना लिटरेरी वर्क भी बराबरी दिखाते हैं और बराबर से ही उनका डिवोशन भी उसमें एक्सप्रेस होता है। फिर सूरदास है, जो सूरदास है वो कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे। ठीक है, उनकी कंपोजिशन है जिसमें जैसे कि सुर सागर, सुर सरसवली, साहित्य लहरी, ये सारी चीज़ें उनकी जो है एक्सप्रेस, उनकी डिवोशन को एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा उनके कुछ कंटेम्प्रेरी भी है जैसे कि शंकर देवा ऑफ असम, जो कि लेट 15 सेंचुरी में हमने देखने को मिलता है, जो कि विष्णु के काफ़ी बहुत बड़े विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और वो काफ़ी पोइम्स और प्लेज भी कंपोज किया करते थे, बट वो असामीज लैंग्वेज में लिखा करते थे। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ प्रैक्टिसेज उन्होंने सेटअप की, जैसे नामगढ़, और उन्होंने रेसिटेशन के हाउसेस बनाए, प्रेयर बनाई एक। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस मतलब डेट में होती रही। इन ट्रेडिशन में कुछ और चीज़ें भी आती हैं, कुछ और सेंट्स भी आते हैं, जैसे दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जो कि मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में उन्होंने शादी करी थी 16 सेंचुरी में। मीराबाई जो थी वो रविदास के डिसिप्लिन उन्होंने फॉलो किया, और जो कि जबकि जो रविदास है वो कि एक अनटचेबल कास्ट के एक सेंट थे। ठीक है, जो मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी थी, वो बहुत सारे भजन लिखे करती थी, वो सुना करती थी, गाया करती थी। ठीक है, सो उनके जो सॉन्ग थे वो बेसिकली अपर कास्ट में के जो भी चैलेंजेस है वो सारे वो लिखा करती थी। उसके अलावा वो ना मतलब राजस्थान और गुजरात में काफ़ी लार्ज नंबर में, वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी मतलब एक लार्ज स्केल में वो फेमस हुई। सो इन सेंट्स का कुछ यूनिक फीचर्स भी है जो हमें देखने को मिलते हैं, डैट दे वर्क वर कम्पोज इन रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब जैसी जैसी जगहों में वो रहते थे ना, वैसे वैसे उनको उसी लैंग्वेज में लिखा करते थे ताकि लोग इजीली उसको पढ़ पाए और आगे जाके गा भी पाए। ठीक है, और वो काफ़ी इजीली पॉपुलर हो जाता था क्योंकि वो ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास कर दी जाती थी। ठीक है, यूजली जो पुअरेस्ट लोग थे, जो लो कम्युनिटी से आते थे, और जो वुमेन्स थी, ये सारी इनको ज़्यादा गाया करते थे और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करते थे। जबकि ये सारे सॉन्ग्स जो हैं वो आज के टाइम पे भी हमें सुनने को मिलते हैं, है ना। आज के टाइम पे भी काफ़ी सेंट्स हैं जो अपने गाने बनाते हैं और पुराने भी हमें सॉन्ग्स अभी भी सुनने को मिलते हैं, राइट। सो अब हम एक कबीर जी का एक क्लोजर लुक ले लेते हैं। कबीर जो कि 15th या 16th सेंचुरी में रहे होंगे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे। ठीक है, वो कि उनका वो एक मुस्लिम जुलास की फैमिली में उन्होंने वो बड़े हुए। ठीक है, जो कि बनारस में है। ठीक है, सेटल इन नियर सिटी ऑफ बनारस। सो यहाँ पे हमें बहुत रिलायबल आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी लाइफ के बारे में, कि वो कैसे कबीर जो है अपनी साखीस लिखा करते थे और अपने पद्स लिखा करते थे, जिसमें वो अपने आइडियाज़ बताया करते थे कि कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वो जगह जगह जाया करते थे, अपने भजन गाया करते थे। ठीक है, और जो ऑलरेडी भजन गाते थे उनसे भी वो अपनी साखीस और अपने पद्स पढ़वाते थे और गवाते थे। ठीक है,
सम ऑफ दीज, फिर बाकी फिर इनको ना काफ़ी आगे भी हमें उनको प्रिजर्व करके रखा, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, पंचवाणी हो गए, बिजयक हो गए, ठीक है, ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेसी है जो लिखी गई है, ठीक है, उस टाइम पे। सो कबीर की जो टीचिंग है वो बेसिकली कंप्लीट, और मतलब उनका एक रिजेक्शन था कि जो बहुत ही मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन है ना उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब जो चीज़ें गलत है वो गलत है। उनकी टीचिंग्स जो है वो ब्राह्मण जो हिंदुइज्म है और इस्लाम है दोनों को ही वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है, और वो इस कास्ट सिस्टम को वो फॉलो भी नहीं, क्लास सिस्टम को भी नहीं फॉलो करते थे। उसके अलावा जो क्लासेस डिवाइड कर दी थी, जो कास्ट डिवाइड कर दी थी, इनके भी वो सख्त खिलाफ थे, ठीक है। उनकी लैंग्वेज में बेसिकली या तो वो हिंदी में ही लिखी जाती थी क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इजीली उनको समझ पाए, ठीक है, समटाइम्स कभी कभी उसको क्रिप्टिक लैंग्वेज में, क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखे गए थे जिनको फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। कबीर ये बिलीव करते थे कि जो सुप्रीम गॉड है वो फॉर्मलेस है, ठीक है, और अगर आपको मुक्ति पानी है, ठीक है, अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको भक्ति या डिवोशन करना पड़ेगा। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग भक्ति अमंग हिंदूज एंड फॉलोइज्म, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, उनके फॉलोअर्स हिंदू से भी थे और मुस्लिम भी थे। अब हम बाबा जो बाबा गुरु नानक है उनके बारे में एक क्लोजर लुक ले लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर अबाउट बाबा गुरु नानक, ठीक है, जो कि मतलब जो कबीर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। सो देखो बोर्न वो उनका जो जन्म है वो तलवंदी में हुआ था जो आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। वो काफ़ी वाइडली ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। सो बेसिकली वो भी बहुत ही खिलाफ थे सारे क्रीड, कास्ट और जेंडर को लेके, उनको ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है। वो अपने अंडर हर एक कास्ट, हर एक फैमिली और हर एक जेंडर के लोगों को लेते थे और बिठाते थे और साथ में खाना खिलाया करते थे एक कॉमन किचन में, जिसको लंगर भी बोलते हैं ना, कि आपने देखा होगा कि आज भी गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं, ठीक है, उसमें हर एक कास्ट, हर एक क्रीड, हर एक जेंडर के लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। सो बाबा गुरु नानक जो है उनको धर्मसल भी बोला जाता है, जो कि आज एक गुरुद्वारा है, ठीक है, इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा। सो उनकी डेथ हुई थी 1539 पे, 1539 में, बट उनकी डेथ के पहले बाबा गुरु नानक ने काफ़ी मतलब उनके काफ़ी बहुत बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स बने और उन्होंने एक बता दिया था एक सक्सेसर कि उसको आगे हमारे फॉलोअर्स फॉलो करेंगे, जिनका नाम था लहना, ठीक है। ये पता चला कि गुरु अंगद, जो गुरु अंगद है वो बाबा गुरु जी के बाद, अब उन बाबा गुरु नानक के बाद उनका जगह लेंगे, ठीक है। सो गुरु अंगद ने सारे बाबा गुरु नानक के सारे कंपोजिशन को कंपाइल करा और एंड विच ही एडिड हिज ओन न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी के बारे में हम सारे अच्छे से जानते हैं, जिसमें सारे आइडियाज दिए हुए हैं गुरु नानक जी के, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो है एक नाम लिखा, ठीक है, हु रोट द नेम ऑफ नानक, और उसमें सारे कंपोजिशन लिखे गए कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। उसके अलावा जैसे और हमने देखे सारे संत थे, भगवत जो भी भगवत कबीर थे, भगवत नामदेव थे, गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है, इन 706 उन्होंने ये सारे जो गुरु तेग बहादुर आए, उनके सन, उनके सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह, जिनको आज गुरु ग्रंथ साहिब भी बोला जाता है, जो कि सिक्स का होली स्क्रिप्चर है, ठीक है। सब बाबा गुरु नानक के भी 16वीं सेंचुरी में ही बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे और आज भी कई सारे सिक्स हैं, सिक्स सारे इन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें हर एक कास्ट के लोग थे, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, आर्टिसंस हो या फिर क्राफ्टमैन्स हो, ठीक है। बाबा गुरु नानक अपने सारे फॉलोअर्स को मतलब कैसे प्रोडक्टिव होना है और यूजफुल ऑक्यूपेशन होना है, ये सारी चीज़ें भी वो उन्हें बताया करते थे, ठीक है। उसके अलावा उनके जो भी जनरल फंड्स है वो कंट्रीब्यूट किया करते थे, ठीक है, और उनके फॉलोअर्स को वो आगे जाके, जैसे हमने पढ़ा लंगर वगैरह भी होते हैं, राइट। तो 17वीं सेंचुरी में जो रामदसपुर का एक टाउन है अमृतसर में, उधर पर एक सेंट्रल गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नाम है हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल भी हमको बोलते हैं, ठीक है।
इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिक्स कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। ठीक है, उसके अलावा जब जब मुगल एम्परर थे जैसे कि जहांगीर, उन्होंने भी इन गुरु अर्जन की जो पोटेंट गुरु अर्जन को मतलब उन्होंने देखा कि कैसे उनका कितना उनका पोटेंशियल है और कारे सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने गुरु अर्जन को 1606 में उनका एग्जीक्यूशन का उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, सिक्स मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिकल कुलमिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699। ठीक है, सिक्स की जो भी कम्युनिटी है उसको खालसा पंथ का नाम दे दिया गया और वो एक पॉलिटिकल एंटिटी भी बन गई। उसके अलावा काफ़ी हिस्टोरिकल सिचुएशंस चेंज हुई उस टाइम पे 16th और 17th सेंचुरी में, जिसने सिक्स मूवमेंट को काफ़ी सिक्स जो भी सिक्स थे उनको काफ़ी उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो गुरु नानक साहेब जो गुरु नानक थे उनका काफ़ी बहुत ही बड़ा हाथ रहा एक उनके डेवलपमेंट में बिगिनिंग से ही। ठीक है, उससे उनका जो है उन मतलब उन्होंने जो है एक ही गॉड को वर्शिप करने का इम्पोर्टेंस बताया, उन्होंने सारी क्रीड कास्ट जेंडर को के वो खिलाफ थे, और उन्होंने उन्होंने लिबरलाइज कर दिया। उनका आइडिया था कि किसी को भी उनको किसी को भी हमें ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए, ही और शी मस्ट बी फ्री। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स थे जैसे ना ना नम दन एंड स्नान, ये सारे एसेंस थे उनके टीचिंग्स के। ठीक है, फिर वेट अ मिनट, हाँ ये सारी उन्हीं की टीचिंग्स थी। ओके, सो यस, फिर उसके अलावा गुरु नानक साहिब के जो भी टीचिंग्स थे वो सारी, फिर गुरु नानक साहिब हो गए, रविदास हो गए, ये सारी एक ही चीज़ों को फॉलो करते थे।